अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से ही। मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे है, तो सारे थोड़ा सा लेट उठे थे, 10 बज गए थे। ब्रेकफास्ट बनाया मैंने सबकी पसंद का, जो जो जिसने खाना था। तो उसके बाद मैं लग गई क्लिनिंग पे, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा क्लिनिंग करने वाली थी। तो कुछ तो मैंने 2 दिन पहले ही कर ली थी, लेकिन जो मेन मेन थी वो मुझे करनी थी। डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी ऑलरेडी, क्योंकि सोना भी था और खाना भी खाना था। इस तरह थोड़ी सी सफाई होती थी फिर। तो ये रूम की कुछ हालत है। मैंने बेडशीट जो सामने थी वो मैंने अभी डाल दी थी 2 दिन पहले, तो अब मैं चेंज करूँगी। और किचन की कुछ कंडीशन इस तरह है, कपड़े भी साथ में वॉश हो रहे हैं। और बाकी ये देखिए सामने डस्टर और ब्रश वगैरह सारा कुछ इधर आपको नज़र आएगा। तो अब मैं आपको दूसरे कमरे की हालत दिखाती हूँ। और इसके हालात तो बहुत ही बुरे, लगेज वगैरह और सब कुछ, बच्चों के टॉयज़ वगैरह और सब कुछ उधर ही पड़ा हुआ है, जैसे था वैसे ही। तो ये कुछ पाकिस्तान के सामान है और कुछ पहले से था। तो ये मैं आजकल कहवा एक रेडी कर रही हूँ, तो आप लोग सर रेसिपी में शेयर करूँगी, तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आजकल मैं वेट लॉस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गया मेरा वेट। तो आज बनाया था आलू कीमा। और आज मैं वेदर दिखा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बारिश भी हुई थी। और ये कुछ पाकिस्तान से जो चीज़ें थी वो मैं दिखा रही हूँ। अभी इनको मैंने अपनी अपनी जगह पर रखना है। तो जो मैं अपना स्किन केयर लेके आई हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी बेसिक सी चीज़ें जो और सारी मैंने एक बार निकाल ली थी, के बाद भी मैं इसे सेट कर लूँगी। और मेडिसिन वगैरह, ये सीरम है गार्नियर का, जिसकी बहुत ज़्यादा बात सुनी थी मैंने कि बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को इतर का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो है। और ये है कंसीलर, जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, MLA का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और ये बच्चों के ट्रे हैं, जो कि उनकी नानों ने लेके दी उन्हें, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी रहते हैं, बच्चे इसमें अच्छे से खा भी लेते हैं और नीचे भी नहीं गिराते और शौक से भी खाते हैं। तो ये लंच बॉक्स वगैरह जो कि हुरैन के पाकिस्तान से हमने बाय किए थे, क्योंकि यहाँ से हम लोग बाय करते, लेकिन यहाँ से इस तरह के नहीं मिलते ज़्यादा प्रिंटेड, और ये वो एल्सा वगैरह वाले जो हुरैन को पसंद है। और बाकी इसमें शक्कर वगैरह है, और जो देसी हमारी चीज़ें होती हैं घर की वो हैं। और कैनवस बोर्ड है, हुरैन को पेंट का बहुत ज़्यादा शौक है, पेंटिंग्स करनी है, तो मैंने कहा आप ट्राई करो, फिर आपको बड़ा ला के देंगे। तो मैं रोटी बनाने लगी थी, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो पाकिस्तान से नया तवा लेके आई थी, तो मैंने वो वाला तवा फिर हटा दिया, ये नॉनस्टिक है। और जो अब मैं लाई हूँ ये नॉनस्टिक नहीं है, तो मुझे नॉनस्टिक जो है उस पर पराठा बनाना सही लगता है, और बाकी ये जो है ये नॉर्मल यूज़ के लिए, तो ये मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो ये है, थोड़ा सा मैंने टिकटॉक पे अपलोड की थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये क्लीनिंग रूटीन है जो मैंने की थी, बहुत ज़्यादा मैस था जिसे मैं समेटना था, तो बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन बिलाखिर हो ही गया। तो अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात को हम पास्ता खा रहे थे, तो बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए पास्ता बना रही थी मैं। तो हुरैन और अनाबिया कह रही थी कि हमें अपने न्यू ट्रे में डाल के दें खाना, तो मैं ये देखे मैंने कहवा रेडी कर लिया है, इसके 2-3 दिन लगते हैं बनने में। और ये मैं एम्प्टी स्टमक भी पी रही हूँ, आजकल 5 डेज हो गए हैं, फिर मैं आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो ये बेडशीट मैं पाकिस्तान से लाई थी, तो कलर और डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लोरल सा प्यारा सा लग रहा है, लेकिन जो है फैब्रिक वो इतना अच्छा नहीं है। और ये मैंने कहाँ से बाय की, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग भी अगर बाय करना चाहते हैं तो कर लें। तो प्रिंटेड तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वैसे अगर फैब्रिक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वॉश होने के बाद ही पता लगेगा ज़्यादा, लेकिन देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। और ये मैं आ गई थी कुछ स्टोर, तो हुरैन के लेने थे स्कूल की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। तो ये मैं क्रॉकरी देख रही हूँ, तो हुरैन मुझे यहाँ से कह रही थी मामा आप आगे चलें, आप बहुत ज़्यादा बर्तन लेती हैं। तो मैं देख रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे ग्रीन वाले कप्स, तो मैंने सोचा कि चल नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, अभी मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन है, तो ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हर शेड वाला, तो मैं ग्रीन चीज़ें बहुत ज़्यादा बाय करना चाहती हूँ, लेकिन सब मुझे कहते हैं कि इसके अलावा भी कलर होता है,
मैंने नहीं लिए। फिर उसके बाद मैंने हुरैन को बोला था कि आप अपनी चीज़ें ले लो जो जो लेना है, क्योंकि स्कूल नेक्स्ट वीक तक ओपन हो जाएंगे और फिर बिल्कुल भी एंड टाइम पर टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम इस बार आ गए कि जो भी इन्हें चाहिए होगा और जो चीज़ें रह जाएंगी वो नेक्स्ट वीक ले लेंगे। और क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसके अलावा लिक्विड वगैरह भी थे, लेकिन हम यहाँ से बाय नहीं करते, हम लोग सिर्फ स्कूल की चीज़ें लेने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद हम यहाँ से फ्री होके हम चले गए थे मॉल, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, हमें राइड लेनी है, राइड्स लेनी है, तो बच्चे अपनी राइड्स ले रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड खेल रहे थे गेम, जिस पे मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरे सर में इतनी ज़्यादा पेन थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो मेरा मूड अच्छा करने के लिए लगे हुए थे, तो इसलिए बहुत ही बुरी तरीके से मैंने खेला कि जानबूझ के मुझे वो गोल करने दे रहे थे कि ज़रा सर में दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम लोग चले गए थे, फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप अप ली और तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ओवरऑल लुक मॉल का, कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। तो बच्चों की इन्जॉयमेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो इस ये मैंने कह दिया कि लास्ट है, इसके बाद हमने घर जाना है क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। उसके बाद हमने खाना भी खाना था, तो एक बस ये लास्ट रहा है कि फिर हम जाने लगे घर। और ये फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। खाना खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट घर आ गए थे और कुछ लेफ्ट ओवर था बच्चों ने घर आके खा लिया। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।